हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो के टाइटल से तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी से ये वीडियो है और हम देखते हैं कि जो एंकर साहब हैं इस चैनल के, वो काफ़ी अच्छी उनकी कोशिश है, काफ़ी अच्छी वो पहल है उनकी, जो वो अपने मुल्क के बाशिंदों को, अपने मुल्क की आवाम को, वो थोड़ा भी अगर वो 1% भी अवेयर कर सकें, जैसे मैं कहती हूँ ना कि अगर हम 1% भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो वो जो 1-1% करके जो योगदान होगा, वो बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आएगा एक दिन। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद कभी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। सो आज ये वीडियो देख लेते हैं। खैर, एंकर साहब की तो काफी तारीफ कर दी मैंने, आज ये वीडियो देख लेती हूं। व्हाट इफ नरेंद्र मोदी वाज पाकिस्तान पीएम एंड इमरान खान वाज इंडिया पीएम, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है। तो देख लेते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है कि अगर उनके देश का प्रधानमंत्री बदल दिया जाए और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान के बन जाएं, तो फिर पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या सोचती है। बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, भले ही स्पीड इंक्रीज करके देखिएगा, बीच से वीडियो देख के कॉमेंट उल्टे सीधे लिख कर मत जाइएगा। सो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो, 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या हो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए बन जाए। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में, तो हमें कोई गर्ज नहीं है। मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए, लेकिन आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुल्क के हालात भी तो वो बेहतर करें ना, वो कुछ कर ही नहीं रहे हमारे मुल्क के लिए। उससे बेहतर इमरान खान था, जिसने ऑलरेडी हमारे मुल्क के लिए अवेयरनेस काफी अच्छी सहूलियत प्रोवाइड की है। तो मेरे कहने के मुताबिक अगर वो आ जाए हमारे मुल्क में, नरेंद्र मोदी या उन जैसा कोई आ जाए, ऐसा कोई भी आ जाए, लेकिन हमारे मुल्क को अच्छी सहूलियत प्रोवाइड करे, तो हमारे लिए बहुत बेहतरी है। और शहबाज शरीफ उधर जाएंगे तो वो मुल्क, मतलब उनका मुल्क फिर तरक्की करेगा या जैसे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा डाउनवर्ड में चला जाएगा। सही जोन सी बात है। ठीक है, सही जोन सी बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान अंकल जी, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, आज का मेरा सवाल ये है कि अगर एक मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो क्या तब्दीली आएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर हो जाता है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। वो बता क्यूँ? जी जी, कि वो काफ़र है, हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान को काफ़र कहना भी गुनाह है। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करो, बस। ठीक है, वो तो बात ठीक है, अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है वो तो अल्लाह साहब को, मुसलमानों को भी इज्जत देता है, दूसरों को भी इज्जत देता है। ये तो नहीं है कि किसी एक को इज्जत मिलती है। मोदी की बड़ी इज्जत है दुनिया में, लेकिन एक मिसाल है अगर वो बन जाता है तो कोई तब्दीली आएगी? यहाँ पे महंगाई कम होगी या नहीं? जुल्म ही जुल्म होगा यहाँ पर। अच्छा, और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चल जाते हैं, वहाँ के हालात ठीक होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। वो कैसे? तो फिर यहाँ के क्यों नहीं वो ठीक कर पा रहे? वो पता है क्या, उधर हमारे मुसलमान है ना बेटे। वो तो है, मैं कह रहा हूँ, आपने कहा अगर वहाँ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे। बेटे सलाम में वो हो ही नहीं सकता, वो काफर इधर का मुसलमान पे। अंकल जी, मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर बन जाता है, अगर नहीं ना होना चाहिए बेटे, अगर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा चले, शहबाज शरीफ वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, वो वहाँ के हालात ठीक कर देंगे? करेगा, हमारे मुसलमानों को उधर कोई अच्छी पोस्ट मिलेगा, कोई अच्छा बेहतरी मिलेगी, जैसे उसने इधर काम किया है। इधर क्या काम किया? इधर तो रो रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो पत्ती भी नहीं मिलती है चाय पीने। यहाँ तो 500 रुपए लीटर भी हो तो तब भी दुनिया ने रोना है। अच्छा, 30 रुपए लीटर भी हो तो तब भी दुनिया ने रोना है। यानी हमारी आदत बन गई है, हम आदत बन गई है। जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं तो ये, तो वो मोदी साहब को इज्जत मिली है तो हमें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। उनकी उधर इज्जत है, इधर नहीं है। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब की इधर इज्जत है या नहीं? है, इंशाल्लाह है, क्यों नहीं है। अच्छा, मोदी ऐसा क्या करता है जो आपको उन पे गुस्सा है? वो मुसलमानों पे जुल्म करता है। अच्छा, वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म करता है। तो यहाँ पे आपको पता है, सिंध में जो हिंदू रहते हैं, जब पाकिस्तान बना था, आपकी तो इतनी उम्र है, पाकिस्तान बना था तब यहाँ पे 27% हिंदू, या जो मेजोरिटी है ना हिंदू ईसाई इस तरीके से, अब सिर्फ 2-3% रह गए हैं, बाकी सारे भाग गए या किधर गए। इसका मतलब है यहाँ पे भी उन्हें वो राइट नहीं मिले तो यहाँ से चले गए ना, फिर ऐसे वो भी कह सकते हैं यहाँ के लोग हिंदुओं पे जुल्म करते हैं? नहीं बेटे, इधर कोई जुल्म नहीं होता, इधर बातों पे जुल्म होता है, झूठों पे जुल्म होता है। यानी ये जो कहते हैं जुल्म होता है, झूठ बोल हिंदुओं पे, यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम पे हम लोग नहीं जुल्म करते। हमारे इस्लाम में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर आला, कोई
ऐसा बंदा नहीं है जो हमारा जुल्म करे हिंदुओं पे, गैर मुस्लिम पे हम इज्जत करते हैं। चले आपकी तो इतनी उम्र है लेकिन मैं आपसे बहस भी नहीं करूंगा, आप अपनी जगह ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप देखिएगा जो पढ़े लिखे आपके साथ उनसे पूछिएगा कि सिंध में हिंदू लड़कियां ना जो उनके साथ फोर्स मैरिज मतलब उनसे जबरदस्ती शादी करते हैं, उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं। चलो बेटे मैं सिंध जाऊंगा, देखूंगा, चेक करूंगा, फिर बताऊंगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एम वकास मलिक। क्या करते हैं? मैं लिखने का शौकीन हूँ। लिखते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते? काम भी करता हूँ लेकिन लिखता हूँ। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक यह है कि अगर लेट्स सपोज एक साल के लिए नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो पाकिस्तान में क्या चेंजिंग आएगी? मेरा ख्याल है कि मोदी के वहाँ आने से उनके जो इकोनॉमिकली काफ़ी वो पावरफुल हुए हैं तो आई थिंक शायद इकोनॉमिकली यहाँ पे आने से उनके भी कोई पड़ जाए फर्क, लेकिन अगर ये लोग वहाँ जाते हैं तो हाँ बिल्कुल, अगर शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं फिर? तो फिर जो चेंजिंग यहाँ पे आई है वही वहाँ पे आ जाएगी। क्या चेंजिंग आई है? मैं वैसे किसी एक को नहीं करूँगा, शहबाज शरीफ साहब को नहीं कहूँगा, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मैं सबकी बात करूँगा। तो पाकिस्तान में देख लें क्या चेंज आया है, मेरा ख्याल है कि बजाय ऊपर जाने के हम इकोनॉमिकली नीचे जा रहे हैं। इकोनॉमिकली के अलावा वैसे भी ओवरऑल भी अगर बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए तो हम नीचे आ रहे हैं। अफसोस वाली बात है हमारे लिए लेकिन सच है। बिल्कुल सच है और सच मानना चाहिए, दुनिया में लोग सच को मानते हैं तो ही तरक्की करते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आप स्टडी की बात कर रहे हैं तो हमें मेरा ख्याल है कि यूरोप की तरफ एक दफ़ा देखना चाहिए कि उनके मुल्क के अंदर या उनके जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे एजुकेशन को किस तरह प्रमोट किया जाता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे यहाँ पर नज़र आता है हमारे मुल्क में वो ये है कि हमें बच्चों को शुरू से बताया ही नहीं जाता कि उनके अंदर कौन सी एबिलिटी पाई जाती है जो वो जिस पे वो काम करके अपने आने वाले टाइम में वक्त से पहले स्टेबल हो सकते हैं। तो मैंने जब थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे ये बड़ा कंपैरिजन नज़र आया कि हमारे स्कूलों में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी एक्टिविटीज़ होती तो ज़रूर हैं लेकिन उसकी कोई लॉजिक कितनी खास नहीं होती। बिल्कुल, हमारा तो अभी सिलेबस ही वो पुराने वाला सिलेबस है जो कभी शायद गोरे ही बना गए थे सिलेबस और वही अभी तक हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अगर वो आते हैं तो आपको लगता है यहाँ का सिस्टम बेहतर हो जाएगा? लेट्स सपोज अगर आते हैं। मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाते हैं तो फिर उनका सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा? उनका सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा लेकिन डिफरेंट जरूर होगा। डिफरेंट क्या होगा, क्या आप कहना चाह रहे हैं? 2000 रुपया उनको मिलेगा। 2000 रुपया मिलेगा? अच्छा, 2000 आपको बताते चलूँ, हर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि जिसकी सैलरी 40,000 यानी 40,000 से कम है उसे 2000 रुपया मिलेगा, मिलता है या नहीं वो बात की बात है। अच्छा, उनका सिस्टम अच्छा होगा या बुरा होगा? देखें वो जैसे भी है ना लेकिन वो अपने मुल्क को जो है ना, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, अगर वो वहाँ पर जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब उनके सिस्टम को अच्छे तरीके से चला पाएंगे? ये 22 करोड़ की आवाम और वहाँ 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर जावेद। मोहम्मद उमर जावेद, क्या करते हैं? सर मैं बीएस पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ यहाँ। जबरदस्त, मेरा भी टॉपिक जो है पॉलिटिकल ही के हवाले से ही है। अगर एक साल के लिए नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो क्या होगा? सर हम जो बंदा मर्जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हमें अपने मुल्क से गर्ज है, लोगों की ज़रूरियात से गर्ज है, लोगों को अपने मुल्क को चलता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो भी हो लेकिन आपकी जो मईशत है उसको कंट्रोल करना चाहिए, आपके हालात जो मुल्क के हो रहे हैं जिस तरह आप देखें दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, जो हालात हो रहे हैं उनको जो बंदा कंट्रोल कर सके वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सके। अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ के बन जाते हैं, इमरान खान, तो वहाँ भी तेल की कीमतें अप जाएंगी तो लोग इस तरह रोएंगे जिस तरह हमारा हाल है, जो रात 12 बजे से अब तक लोगों का हाल हो रहा है। क्या हो रहा है, लाइट नहीं आ रही या पेट्रोल महंगा हो गया? लाइट नहीं आ रही, सबसे बड़ी टेंशन है पेट्रोल महंगा हो गया, जो ज़रूरियात की ज़िंदगी है जिसे हमने रोज़ आना जाना यूनिवर्सिटी और वापस घर जाना है, तो अब आप खुद ही देख लो, आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हो, जब आप रेट्स देखते हो तो आपको खुद ब खुद ही ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर होता है। तो आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में होना चाहिए? नरेंद्र मोदी ना भी हो, कोई ऐसा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो पाकिस्तान में होना चाहिए? सर जो बेहतर इंसान है हमें उसको लेके आना चाहिए, जो हमारे मुल्क के हालात को मीशत को कंट्रोल कर सके, जो लोगों को सपोर्ट कर सके। तो जैसे इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, पेट्रोल डे बाय डे कम हो रहा है, इसके अलावा वहाँ की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हेल्थ सेक्टर बेहतर हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है मोदी साहब अच्छा काम कर। हाँ जी सर, एक नज़रिया होता है ना हर इंसान का, हमारे इधर नज़रिया नहीं है, हमारे इधर नज़रिया ये है कि पैसा बनाओ एवरीथिंग, लेकिन लोग नज़रिए से काम करते हैं। और अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, थोड़ा पास आ जाएं आप, दूर जाते जाते हैं, तो अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बन जाते हैं आपको लगता है इंडिया और तरक्की करेगा? जी सर, पहले वो महंगाई की तरफ जाएगा फिर तरक्की की तरफ आएगा।
तरक्की कौन से वाली, वो तरक्की किसे कहते हैं आप? अगर शहबाज शरीफ साहब बनेंगे तो वाकई तरक्की होगी आपको लगता है? अगर वो 22 करोड़ 23 करोड़ के मुल्क को नहीं चला पा रहे ठीक से, तो वो 1 अरब 22 करोड़ 23 करोड़ के मुल्क को चला पाएंगे? सर ये डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे, कैसे वो कंट्रोल करते हैं। उनकी सिचुएशन तो इस टाइम ठीक है, सिचुएशन तो हमारी नहीं थी जी, उनकी सिचुएशन ठीक है, लेकिन हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। जैसे आपने इमरान खान को 3.5 साल दिए हैं, उसका देखा है उसकी कारकर्दगी, अभी तो इनका 1 मंथ हुआ है। आप पिछले जो 27 साल हैं वो आप भूल गए हैं। खैर ये तो बहस कहीं और जा रही है, लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियां मोहम्मद अलीम ज़हूर। मियां मोहम्मद अलीम ज़हूर, ज़बरदस्त। स्टूडेंट हैं? या। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर लेट्स सपोज नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए 1 साल के लिए, और शहबाज शरीफ जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए 1 साल के लिए, तो क्या चेंजिंग आएगी? अगर चेंजिंग के हवाले से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की अपनी स्ट्रेटजी है, शहबाज शरीफ की अपनी स्ट्रेटजी है, तो इन दोनों स्ट्रेटजीज को लिहाज से देखा जाए तो इंडिया में भी आप कह नहीं सकते कि वो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ वेल डेवलप्ड नहीं कह सकते अगर लेट्स सपोज, तो फिर ये कह सकते हैं कि बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह चुके हैं कि इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। तो अब देखिए उनके कहने की क्या बात है, उन्होंने तो यानी प्राइम मिनिस्टर की है ठीक है। नहीं देखिए ना, एक बंदे की स्ट्रेटजी जो पहले ही नाकाम हो चुकी है, उस बंदे की स्ट्रेटजी को, उसकी बातों को हम कैसे मान सकते हैं कि वो कह रहा है कि इंडिया की वर्ल्ड डेवलपमेंट, उसकी जो स्ट्रेटजी है जो उनकी डेवलपमेंट है वो हाँ वो कैसे कह सकता है कि वो ठीक है? वो पहले अपने तो ठीक करता, अगर उसके पास 3.5 साल का टेन्योर रहा है, उस टेन्योर में उसने ऐसी डेवलपमेंट या कोई एक ऐसी तरक्याती मंसूबा या कोई एक ऐसी डेवलपमेंट बता दे कि जो उसने की हो। ठीक है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहे आप उनके मुल्क के लिए? हमारी यानी ये नहीं मैं बात कर रहा कि वो कैसे हैं पर्सनली, आपको कैसे लगते हैं, मैं उनके मुल्क को लेकर बात कर रहा हूँ, उनके एज ए इंडिया कंट्री को लेकर बता रहा हूँ कि क्या वहाँ पे वो अच्छा काम नहीं कर रहे। देखिए जी, कोई भी एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री की उसकी बैकबोन समझी जाती है ठीक है, लेकिन उसके किसान उससे यानी कि राजी नहीं है, उससे यानी मुतफिक नहीं है, उसकी कारदगर्दगी से वो किसानों के हकूक उसको नहीं दे पा रहा। आपको पता है जितनी इंडिया में सब्सिडी मिलती है किसानों को, और इसके अलावा जितना इंडिया के वीट की अगर बात की जाए, हम जो IMF है, IMF का पता है, IMF रिक्वेस्ट कर चुका है इंडिया से कि आप वीट की जो एक्सपोर्ट है वो बंद ना करना, यानी कि इतनी ज़रूरत है इस टाइम दुनिया को इंडिया के वीट की, और आप कह रहे हैं वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं ठीक। देखें जी, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये आप जाके चेक करिएगा, मैं अपने पास है कोई बात नहीं कर रहा। लेट्स सपोज आपको लग रहा होगा मतलब ये यार ये इंडिया की क्यों तारीफ कर रहा है, इंडिया को क्यों प्रमोट कर रहा है, प्रमोट नहीं कर रहा, बस जो सच है वो आपको बता रहा हूँ और कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखें जी, हर मुल्क में एक वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो किसानों ने सिख यात्रियों ने यानी कि प्रोटेस्ट किए हैं, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके साथ यानी कि वो क्या जुल्म किया गया उनके साथ, कितने यानी सिख यात्रियों को, सिख कम्युनिटी के लोगों को, ये सिखों की बात कर रहे हैं, ये जो कि पूरी दुनिया को पता है कि हुआ था, ये चीज़ मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और काफी देर वो प्रोटेस्ट चला भी, जो इशूज हैं वो मुझे इतना उस पर बिल्कुल। उनका मेन स्लोगन ये था कि उनको एग्रीकल्चर के हवाले से वो बाहर निकले कि किसानों के हक उनको मिल ही नहीं रहे, जो यानी कि वो उनका एक इसी हवाले से यानी कि उनके बहुत सारे स्टार्स भी हैं, लेजेंड्स भी हैं, जिन्होंने इस हवाले से भी बात उठाई थी कि जो है ना हमें किसानों के कम से कम किसानों के हकूक प्रॉपर दिए जाएं, क्योंकि वो इसी बात का तो वो रोना पीट रहे हैं कि हम पूरा यानी कि मेहनत के साथ इतना पाकिस्तान में किसानों के हकूक अच्छे मिल रहे हैं किसानों को जी। किसानों के हकूक यहाँ भी देखा जाए तो लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बैड रहा है, क्योंकि देखे ना अगर वो बात आ जाती है कि लास्ट 3 ईयर पे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर उस पर बात कर लेते हैं कि वो जो महंगाई थी और अब जो महंगाई है सब उन्हीं का सिला, अगर IMF से कर्ज लिया भी गया तो आप लास्ट 3 ईयर से जो इसका टेन्योर है इमरान खान साहब का वो देखें, और उससे पहले IMF की जो कर्ज की रकम है वो देखें, वो रेशो देखें, अब रेशो और पहले वाली रेशो देखें, और पहले वाली रेशो की डेवलपमेंट देखें, और इस वाली रेशो की जो 3.5 साल वाले कर्ज की डेवलपमेंट पहले की नस्बत ठीक है। लेकिन देखें ये एक सीरियस सी बात और दूसरे एक साइड पे जा रही है, मैंने एक जनरल क्वेश्चन किया है, एक आम आवाम की आम पब्लिक की राय ले रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के, तो क्या इंडिया आगे तरक्की करेगा या नहीं? बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका तो। ये देखें ना, अब आप खुद ही आप देखे बात कर रहे हैं, आप देखें आप नहीं अपने प्राइम मिनिस्टर की बुराई कर रहे हैं। ठीक है, एक बंदे के पास मुकम्मल एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसके पास एक यानी कि वो उसके मुल्क को बेड़ागर की करेगा, जब पाकिस्तान का बेड़ागर कर दिया उसका भी बेड़ागर की करेगा वो। नरेंद्र मोदी वहाँ पे अच्छा काम कर रहा है तो वो यहाँ पे वो नहीं उस जैसा कोई आ जाए तो फिर देखें जी, जो टैलेंट है और स्ट्रेटजीज हैं वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान में, बात है आगे लाने। सो दोस्तों, ये पाकिस्तानी आवाम की राय थी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और हमने ये अच्छी बात थी कि इसमें हर एक एज ग्रुप के लोगों से बातचीत की, जिसमें एक बुजुर्ग जो थे वो तो
मतलब आप देखिए ये काफिर हिंदू मुस्लिम बस यही दिमागों में रहता है और वो सोच सामने आ भी जाती है। दूसरा इसमें जो कह रहे थे कि भारत में किसानों का प्रोटेस्ट, तो ये बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे मुल्क के अंदर हमारे संविधान ने यह हक दिया है जिसको भी जो जिस मसले पे प्रोटेस्ट करना होता है हमारे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं लोग। हमारे किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया था, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना और सरकार को जनता के साथ संवाद कायम करके उनकी परेशानियों को सुलझाना, ये हमारे मुल्क का संविधान भी हमें हक भी देता है, हम लोगों का ये अधिकार भी है और हम लोगों के यहाँ पर फ़राइज़ भी हैं जिनको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर उन पर वर्क किया जाता है। तो पाकिस्तान जो ये है ना, ये एक कि प्रोटेस्ट किया तो ऐसा किया, यहां पर प्रोटेस्ट करने का हक है और गवर्नमेंट को भी ये गवर्नमेंट का ये पूरा दायित्व बनता है, जो भी सरकार हो चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, उनका ये पूरा दायित्व बनता है कि जनता की जो भी परेशानी हो उसको दूर किया जाए, क्योंकि यहां पर सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती, यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुना गया है, उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया है, उन्हें इलेक्ट किया गया है। तो बहुत सारे लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे मुल्क के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे नहीं पसंद करते, बहुत जिस तरह की उनकी सोच होती है वो कहते हैं कि नहीं ये अच्छे होंगे प्राइम मिनिस्टर, वो अच्छे होते, ये हो सबकी होती है, सबको अपनी सोच रखने अपनी ओपिनियन रखने का हक है, लेकिन यहाँ पर कोई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता कि आर्मी से कोई भी आर्मी ने पूरा एक, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि वहाँ पर तो यही होता है ना कि वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनना है और उसके बाद फिर जो खेल रचा जाता है और उसके बाद वहाँ पर एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा और जो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये जो सोच है ना, देखिए हमारे मुल्क के अंदर तो किसी भी तबके, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हो, आपको यहाँ पर आपके अंदर काबिलियत होगी, आप मेहनत करें और आप किसी भी मकाम पर पहुँच सकते हैं, इस देश के राष्ट्रपति तक APJ अब्दुल कलाम साहब तक आप बन सकते हैं। और पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन एंकर साहब की ये अच्छी कोशिश है कि वो एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सच को एक्सेप्ट कीजिए। इसमें जो एक शख्स थे जो कह रहे थे मैं लिखता हूँ, तो उन्होंने वो बोला भी कि जब तक हम सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे वर्क करेंगे, हम तो झूठी ज़िंदगी जीते रहेंगे। दूसरा ये कि इसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि पाकिस्तानी किताबों में अभी तक कोई रद्दो अमल नहीं हुआ है, उस पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है, जो सालों से इनका जो उसमें जो भी इनका सिलेबस है वही चलता आ रहा है और उसमें गैर मुसलमानों के बारे में जितनी नफरत जितनी चीज़ें हैं वो BBC की, मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट भी शेयर की थी, वो एक वीडियो जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही वो बात का खुलासा कर रहे हैं कि उनके यहाँ की किताबों में किस तरह से मुसलमानों से हट के जितने भी मज़हब हैं, जितने भी कम्युनिटी हैं, जितने भी लोग हैं, उनके बारे में पाकिस्तानी किताबों में छोटे छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी आवाम को ये समझना, गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम अगर जिस दिन जाग गई ना उस दिन बहुत सारी चीज़ें चाहे थी ये लोग अपने लिए बेहतर कर सकें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जो इसमें सवाल कर रहे थे और ये भी बात निकल कर आई कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान का तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, बहुत कुछ सुधर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में कोई स्ट्रेटजी कोई डिप्लोमेसी है कहाँ, पाकिस्तान में तो एक अलग तरह की कंट्रोवर्सी चलती है, बस पैसा लूटो खसूटो यही हो जाता है। लेकिन इसमें जो एक शख्स कह रहे थे कि अगर शहबाज शरीफ को इमरान खान को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, और सच में बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का पद जो है वो लूट खसोट का पद माना जाता है और उसके बाद जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी अपनी जेब भरते हैं और जो उन्हें सिलेक्ट करके उस कुर्सी पर बिठाते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, प्राइम मिनिस्टर जो उन्हें चुना जाता है, तो वो लोग भी उनका भी एक ही होता है एम के उन्हें अपनी जेबें भरनी है, उसके बाद विदेशों में उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये पाकिस्तान में पूरा खेल चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो कैसा होता है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में आ जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो कैसा होता है, ये पाकिस्तानी आवाम ने अपनी राय दी। अब आप अपनी राय मुझे कमेंट के जरिए दीजिए, आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं, अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखें और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, मेरी बात को और लोगों तक पहुंचाएं, और फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।